नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। कन्याकुमारी में पीएम मोदी 45 घंटे की मौन साधना कर रहे हैं और समुद्र के बीच बने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी ध्यान कर रहे हैं। रॉक मेमोरियल से पीएम मोदी की साधना का एक वीडियो सामने आया है, ये वीडियो आपको दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे 45 घंटे की मौन साधना के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ समय उस अंश का कुछ वीडियोज जो इस दौरान लिए गए थे। और आपको बता दें कन्याकुमारी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उससे पहले की भी कुछ तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं जब वहां वे मंदिर में दर्शन के लिए मां की साधना के लिए पहुंचे थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे और वहां से समुद्र के बीच बने इस रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की साधना कर रहे हैं। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। जबलपुर में निजी स्कूल्स और किताब विक्रेताओं के बीच कमीशनखोरी का एक मामला उजागर हुआ। यहां पर एक ही किताब अलग अलग नाम से बेची जा रही है और अलग अलग दाम से। दरअसल इन किताबों के प्रकाशक और लेखक एक ही हैं, फ्रेंड्स पब्लिकेशन इंडिया आगरा द्वारा प्रकाशित ये किताब सुमेधा और आमोदिनी नाम से बेची जा रही हैं और दोनों ही किताबों का लेखन और संकलन वाराणसी के डॉक्टर राम अवतार शर्मा ने किया और सुमेधा का विक्रय मूल्य 345 रुपए है जबकि आमोदिनी का 265 रुपए। कलेक्टर ने अभिभावकों से ये अपील की है कि बच्चों की सभी किताबों के ISBN नंबर्स की जांच करें। उन्होंने ISBN सर्च लिंक जो कि ISBN.gov.in है और अपना WhatsApp नंबर जो 7587790550 जारी किया गया है, माफ कीजिएगा, और एक बार फिर से नंबर बता देते हैं आपको 7587970500। इस पर अभिभावक जानकारी साझा कर सकते हैं। और जबलपुर में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जो स्कूल्स की लूट पर बड़ा एक्शन लिया गया जिसके बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं स्कूल प्रबंधक और संचालक। दरअसल निजी स्कूल संचालक गुप्त बैठकें कर रहे हैं, विधायक मंत्रियों तक निजी स्कूल संचालक अपना जोर लगा रहे हैं। कलेक्टर पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और कलेक्टर का ट्रांसफर कराने की कोशिश हो रही है। कानून के जानकारों की राय ले रहे स्कूल संचालक कि कैसे इससे बचा जाए और यही एक विडंबना है। कानून से बचने के लिए कानून का सहारा, वो फ्लेक्सिबल लॉ एंड ऑर्डर होने के चलते कई बार इस तरह के लोग बच निकलते हैं। बहरहाल अब की बार इनकी ये चालाकी क्या काम करेगी या इस पर कार्रवाई होगी, ये भी देखने का विषय है। दरअसल चूंकि कलेक्टर का ट्रांसफर कराने का प्रयास हो रहा है तो बहुत जल्द अगर उनका ट्रांसफर हो जाए तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी। चलिए जबलपुर चलते हैं, पवन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त संस्कारधानी से मौजूद हैं। पवन, बच्चों की पढ़ाई आज के समय में यूं भी बहुत महंगी है, अभिभावकों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर दोनों पति पत्नी कमा रहे हैं तो ये इस तरह की सुमेधा और सुबोधनी जितनी भी किताबें हैं अलग अलग नाम से अलग अलग कवर से तो खरीद लेते हैं, लेकिन एक परिवार चलाने वाला व्यक्ति, जो एक व्यक्ति कमाने वाला, उसके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा। ये स्कूल के नाम पर जो ये एक्सटॉर्शन का काम कर रहे संचालक हैं, इन पर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी, जो ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कानून को तोड़ मरोड़ कर इससे बचने का? बिल्कुल आशीष, अगर बात करें तो जो कार्रवाई अभी चल रही है जबलपुर में, जिसकी शुरुआत हुई है पूरे देश में, सबसे पहले जबलपुर में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसके आगे भी कई और स्टेप ऐसे हैं जो जिला प्रशासन लेगा। फिलहाल जिला प्रशासन ने सभी पुस्तक विक्रेताओं को, प्रकाशकों को, निजी स्कूलों को चेतावनी दी है और समय दिया है कि वो अपनी गलती
सुधार लें। इस पूरी कार्रवाई में दूसरा पक्ष अगर देखा जाए तो दूसरा पक्ष अभिभावकों का है। इसमें बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अभिभावक अभी भी खुलकर कलेक्टर का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही शिकायतें कर रहे हैं। अभी भी हमने जब अभिभावकों से बात की और उनसे कहा कि हमारे साथ जुड़िए और अपनी समस्या बताइए, हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारे न्यूज़ चैनल पर अपनी समस्या बताइए, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, हमें जो बोलना होगा हम वो प्रशासन से बोलेंगे। तो ये एक बड़ा एक साइड इफेक्ट है इसका कि इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद भी अभी भी अभिभावक सामने नहीं आ रहे हैं और खुलकर बता नहीं रहे हैं, समस्या नहीं बता रहे हैं कि किस तरह से फीस वृद्धि की जा रही है, किस तरह से किताबों के नाम पर लूट की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं इससे कार्रवाई को इफेक्ट भी पड़ रहा है, और नहीं तो इतनी बड़ी कार्रवाई में अगर अभिभावक खुलकर आए तो निश्चित है कि जबलपुर में 1037 स्कूल हैं टोटल प्राइवेट स्कूल, उनमें से सिर्फ 11 पर ही कार्रवाई नहीं होगी और भी स्कूलों के खिलाफ इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है जिससे भविष्य में स्कूलों की लूट पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन फिलहाल प्रशासन अपनी कार्रवाई लगातार कर रहा है, मामले दर्ज कर रहा है, जांच कर रहा है, जानकारी जुटा रहा है, और ये उसी का परिणाम है कि ये जो आमोदनी और एक किताब और जो है इसकी जानकारी सामने आई कि एक ही ISBN नंबर की दो किताबें, इसके अलावा नर्सरी स्कूल की कुछ किताबें भी सामने आई हैं जिसमें 8 किताबें और 8 किताबों में एक ही ISBN नंबर है जी। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही तो है और साथ ही भ्रष्टाचार भी है जिसके शिकार अगर कोई होता है तो वह अभिभावक होते हैं। घूम फिर कर वही शिकार बनेंगे भी पवन, चूंकि ये जो स्थिति है ये हर अभिभावक के लिए एक ऐसी स्थिति है जिससे वो निकलना भी चाहता है लेकिन निकल नहीं सकता। भोपाल चलते हैं शैलेंद्र चौहान के पास, बात करेंगे उनसे। शैलेंद्र, आज तो CM भी इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रहे हैं, समीक्षा करनी है CM के द्वारा, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कब तक और क्या कुछ इसके बारे में जानकारी अपने पास? हाँ देखिए, जो इस तरह स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जो संचालक है, जबलपुर की कार्रवाई एक नज़ीर बनी है। वहाँ कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जिस तरह कार्रवाई की उसके बाद CM डॉक्टर मोहन यादव ने खुद ये कहा है कि सब पूरे प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई होना चाहिए और उन्होंने इसके निर्देश भी दिए। उसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग पूरे प्रदेश के कलेक्टर्स के लिए गाइडलाइन जारी कर चुका है। सभी स्कूल संचालकों को 8 जून तक का अवसर दिया गया, उन्हें कहा गया है कि पोर्टल पर सारी अपनी डिटेल्स डालें, उसमें कितनी फीस ली जा रही है, पिछले सत्र में कितनी फीस थी और आने वाले समय में किताब कॉपी सिलेबस क्या होंगे, वर्तमान का सिलेबस क्या, इसकी सारी डिटेल एक पोर्टल पर डालना होगी, इसके स्पष्ट निर्देश दिए गए। अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में हालांकि यहां भी इस तरह का एक कॉकस है जो काम करता है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी टीम नहीं बनाई गई है जो जांच करे, अभी इस तरह की कोई भी ऐसा दल गठित नहीं किए गए। लेकिन माना जा रहा है 4 जून के बाद जब मतगणना हो जाएगी उसके बाद इस कार्रवाई में तेजी आएगी और ऐसे स्कूल यहां पर भी कई स्कूल संचालक और जो ड्रेसेस वाले हैं इनकी कहीं ना कहीं एक गठजोड़ है और उसका जो खामियाजा है वो परिजनों को उठाना पड़ता है, महंगी फीस, इसके अलावा ड्रेसेस कुछ चुनिंदा दुकानों से ही लेना पड़ता है। तो राजधानी होने के बाद यहाँ भोपाल में भी काफ़ी खराब स्थिति और निश्चित ही प्रशासन को, क्योंकि CM के खुद निर्देश दिए हैं फ्री एंड है, तो प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए और इसी उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन अब संज्ञान लेगा और ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ टीम बनाकर जांच के लिए भेजेगा और उनकी फीस का पिछली बार का और इस बार में कितना अंतर है उसके बाद अगर वसूली की जाए तो इस तरह की जबलपुर जैसी कार्रवाई यहाँ पर भी होगी। तो अब कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह किस तरह का फैसला लेते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, अब ये देखना होगा। बिल्कुल, और इस पर आप भी नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, आपको बता दें अशोकनगर में रेप पीड़िता के अपहरण की कोशिश की गई, रिश्ता तय हो जाने के बाद आरोपी ने अपहरण की कोशिश की, दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता के घर पर तलवार लहराते हुए आरोपी पहुंच गया और बीच बचाव करने के लिए जब परिजन पहुंचे तो उनके साथ उसने मारपीट की और लोगों के जमा होने पर वो मौके से भागने लगा। दरअसल घंटों बाद पुलिस ने इस पर मामला दर्ज किया है। जयवर्धन सिंह ने वीडियो शेयर कर सरकार को इस पर घेरा है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो बदमाश पहुँचे हैं ये लड़की का अपहरण करने के इरादे से आए थे और बताया जा रहा है कि रेप पीड़िता के अपहरण की कोशिश यहाँ पर की गई है। रिश्ता तय होने के बाद आरोपियों ने अपहरण की कोशिश की और अपने गुंडों के साथ वहाँ पर ये बदमाश पहुँचा और बीच बचाव करने के लिए जब परिजन वहाँ पर पहुँचे तो परिजनों के साथ मारपीट की गई इस बदमाश के द्वारा जो मुँह छिपाता फिर रहा है। और यहाँ पर
घंटों के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हालांकि इस पूरे मामले में जयवर्धन सिंह ने भी सवाल उठाए हैं कानून के इकबाल पर। इंदौर में सोने की तस्करी का एक मामला सामने आया। आरोपी आरिफ बेग सऊदी अरब के शारजाह से सोना लेकर आया था, जिसे इंदौर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। आरिफ मोबाइल चार्जर और एयरपोर्ट के अंदर सोना छिपा कर लाया था और कस्टम अधिकारियों से बचने के लिए इसने सोने पर रेडियम की पॉलिश की थी। मुंबई के रहने वाले आरिफ बेग के पास 80 ग्राम से ज्यादा सोना और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुआ। आरिफ बेग एयर इंडिया की फ्लाइट से शारजा से इंदौर आ रहा था और शायद इसे ये पता नहीं है कि इंडियन कस्टम्स के अधिकारी भगवान बन जाते हैं उस वक्त जब उन्हें किसी चीज़ की जांच करनी होती है। वो बिना हाथ लगाए ही अंदर तक झांक लेने की शक्ति रखते हैं। जी हाँ, उनके जीवन का अनुभव और उनकी ट्रेनिंग, उनकी सटीकता जिस पर आज तक कोई अंगुली नहीं उठा सका है, और ऐसे अधिकारियों की आंख में धूल झोंकना नामुमकिन है। और इस नामुमकिन काम को आप मुमकिन करने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाएंगे। और आरिफ के साथ भी वही हुआ। ये 80 ग्राम सोना लेकर जा रहा था, यहाँ 8 मिलीग्राम अगर भी सोना होगा या कोई ऐसा पदार्थ जो कस्टम्स के अधिकारियों के और कानून के अनुसार नहीं ले जाना चाहिए, तो वो भगवान बनकर उसे देख लेते हैं और वहाँ से उसे खोज निकालते हैं। चाहे आप उसे एयरपोर्ट में रख लें, कान में रख लें, या फिर अपने सूटकेस में छिपा लें, जूतों में छिपा लें, अपने शरीर के अंदर भी अगर आप छिपा लेंगे तो वहां से भी वो निकाल लेंगे। और भिंड में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। दरअसल खनिज निरीक्षक के साथ धक्का मुक्की यहां पर हुई है। गिट्टी से भरे हुए ट्रक को पकड़ने के लिए निरीक्षक गए थे। आरोपी गिट्टी से भरे ट्रक लेकर गए और पुलिस ने 5 लोगों पर मामला दर्ज किया। नया गांव थाना क्षेत्र के मुहंड मोड़ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आरोपी गिट्टी से भरे हुए ट्रक लेकर गए। पुलिस ने 5 लोगों पर मामला दर्ज किया। नया गांव थाना क्षेत्र के मुहंड मोड़ का यह पूरा मामला। अवैध परिवहन के संबंध में चेकिंग कर रही थी तो एक डंपर जो गिट्टी का है, इनको इसमें संदेह हुआ है कि वो एक रॉयल्टी को दूसरे चक्कर मार रहा है, तो उसमें उन्होंने चेकिंग की है। इसी दौरान लोग जो स्कॉर्पियो में थे तो हमने इनसे धक्का मुक्की कर दिए, तो इसके उन्होंने अपराध पंजीगत कराया है। अपराध पंजीगत कर विवेचना में ले लिया गया है और जो एक अज्ञात आरोपी और 4 अज्ञात आरोपी हैं उनका गिरफ्तारी और पतारसी का प्रयास किया जा रहा है। तो अवैध खनन के मामले में और डिटेल लेंगे, हमारे सहयोगी रवि रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि रमन, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी जो कार्रवाई की गई? आशीष, मैं आपको बताऊं, बेहद ही गंभीर मामला है और रेत माफिया हो या खनन माफिया जो भी है, गिट्टी माफिया, उनके द्वारा लगातार अब इतना खौफ नहीं रहा है उनके अंदर प्रशासन का और पुलिस का कि वो लगातार अब पुलिस और प्रशासन की टीम जब कार्रवाई के लिए जाती है, उन्हें चेक करने के लिए जाती है और उन पर हमला हो जाता है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। लगातार इसको लेकर विपक्ष कई प्रकार के आरोप लगा रहा है। कल डॉक्टर गोविंद सिंह ने, पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि अगर यदि आप दुष्कर्म जैसे पीड़ितों को के आरोपियों के लिए तो आप तत्काल कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जो माफिया हैं जो लगातार, चाहे वो अभी वर्तमान हाल ही की बात की जाए, संजय धाकड़ जो इंस्पेक्टर हैं खनिज के, उनके ऊपर जब वो गिट्टी का ट्रक चेक करने के लिए जब गए अपने अमले के साथ, तो उनके ऊपर तत्काल जो प्राइवेट वाहन से काली स्कॉर्पियो से सवार होकर जब आए, दबंगई दिखाई और उनके साथ धक्का मुक्की की, और धक्का मुक्की करने के बाद जो गिट्टी को ट्रक जो चेक कर रहे थे उसको भी वो अपने साथ भगा ले गए। फिर इसके बाद उन्होंने नयगांव थाने में पहुंचकर अपनी प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया, जिसमें अंशु। बहुत शुक्रिया आपका रवि इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इंदौर से बड़ी खबर, जेल से छूटे गुंडे ने व्यापारी से 2 लाख रुपए मांगे। व्यापारी से कट्टा दिखाकर 2 लाख रुपए मांगे। दरअसल पकड़ने गई पुलिस पर गुंडे और उसके परिवार ने हमला कर दिया। थाना प्रभारी की वर्दी फाड़ दी उसने। 3 मई को ही जेल से बाहर आया और बाहर आते ही अपने असली काम में जुट गया और लिस्टेड गुंडा नारायण वर्मा, द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां जेल से बाहर आते ही उसने फिर जेल जाने का काम शुरू कर दिया है और
जिस तरह से इसकी हरकतें नजर आ रही हैं उससे साफ जाहिर है कि जेल ज्यादा पसंद है इसे। और जेल से छूटे गुंडे ने व्यापारी से 2 लाख रुपए मांगे, आरक्षक की वर्दी फाड़ दी और पुलिस को आड़े हाथ लेने की कोशिश करने लगा। हालांकि पुलिस ने फिर से अपना दम दिखाया और पुलिस क्या कर सकती है इसे दिखाया गया और इसे देखिए पकड़ कर ले जाया गया एक बार फिर से। और 3 मई को ही ये जेल से बाहर आया था और एक बार फिर से इसे पैक कर दिया गया है। और मुझे जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसमें कहता हुआ अभी वो नज़र आ रहा है कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि इस पूरे मामले में जेल से छूटे गुंडे की रंगदारी मांगने और आरक्षक कानून के रखवालों पर हाथ उठाने का जो परिणाम है अब इसे भुगतना होगा। हेतु पुलिस पार्टी गई थी जहां पर इसकी मां ने और इसने गिरफ्तारी का काफ़ी विरोध किया और अंततः इसको फिर गिरफ्तार करके उस मामले में लेकर आए हैं। इसके विरुद्ध पूर्व से ही 2 हत्या के मामले और अन्य जहां प्राणघातक हमले के और अन्य धमकाने के मामले करीब 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनके विरुद्ध सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। और खरगोन में पति पत्नी ने फांसी लगा ली। दरअसल आपसी विवाद के बाद खुदकुशी करने की बात सामने आई है। दोनों शवों को जिला अस्पताल लाया गया है। पोस्टमार्टम के लिए लाए गए दोनों शव जैतापुर पुलिस चौकी क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है जहां पर पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद दोनों ने ही सुसाइड कर लिया और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। ये गोविंद पिता कन्या उम्र 20 वर्ष जाति बिलारा निवासी काजलपुरा का है। ये फांसी लगाने से यहाँ मृतावस्था में लाए हैं परिजन जिला अस्पताल खरगोन में। ये 11 बजे करीब लाए थे, 11:45 बजे। और बैतूल में डीजे बजाने के विवाद में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल विवाद में 2 महिलाओं की मौत हो गई, एक घायल। बारात में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ, गुस्से में गाड़ी रिवर्स कर रहा था डीजे संचालक और रिवर्स करने के दौरान डीजे वाहन पलट गया और वाहन की ही चपेट में आने से 2 महिलाएं घायल हो गईं। गुस्साए बारातियों ने डीजे वाहन को आग के हवाले कर दिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और गुल्लर ढाना गांव से जमुना ढाना आई थी ये बारात। और भिंड के जिला अस्पताल में लगा हुआ ट्रांसफार्मर जल गया। दरअसल काफी देर तक ट्रांसफार्मर धधकता रहा, आग पर काबू पाया गया बाद में। कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये देखिए ये तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं इस वक्त आप देख सकते हैं, ये चूंकि ऑयल वाले जो ट्रांसफार्मर हो रहे हैं उनमें आग लगने की घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। और चूंकि हीट इस वक्त बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर 45 यानी 45-46 तक जा रहा है, तो ऐसे में और साथ ही उस पावर सप्लाई का भी हीट जो इससे होकर गुजर रहा है, तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं काफ़ी देखने को मिल रही है, सावधान रहने की आवश्यकता है। और देवास में सूने घरों की रेकी करने वाले चोर गिरफ्तार किए गए। 6 अलग-अलग कॉलोनीज में सूने घरों की वे रेकी कर रहे थे और CCTV सामने आया। CCTV और मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए चोरों के पास से सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए। नकदी समेत एक बाइक भी यहां से बरामद की गई। और खबरें आगे भी जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटते हैं। फैसले की खड़ी अब आखिरी